नए साल पर उत्तर प्रदेश में हर गांव और हर शहर तक कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी की तरफ से भेजे गए कैलेंडर कांग्रेस पार्टी पहुंचा रही है। यूपी में कांग्रेस पार्टी फिलहाल अपनी मुहिम में मसरूफ है। रियासत में इंसा पंचायत के सदर और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तश्कील का काम बहुत तेजी से चल रहा है। कांग्रेस के अहदेदारान 3 जनवरी से अपने इंचार्जशिप वाले जिलों में दौरे पर हैं। जराये के मुताबिक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने 10 लाख कैलेंडर यूपी में भेजे। नए साल के कैलेंडर को हर गांव और शहरों के हर वार्ड तक तकसीम करने की हिदायत अहदेदारान को दी गई है। हर जिले और शहर कमेटी के लिए उसकी आबादी के लिहाज से कैलेंडर दिए जा रहे हैं। कैलेंडर में यूपी के इंचार्ज कौमी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी के अवामी राबते और जद्दोजहद की तस्वीर है। 12 पेज के इस कैलेंडर में पहले पेज पर सोनभद्र के उम्बा कत्लेआम के बाद अपनी ताजियत के लिए सोनभद्र पहुंची प्रियंका गांधी की तस्वीर आदिवासी खवातीन के साथ छपी है। कैलेंडर में हाथरस में मुतासरा की मां से गले लगते प्रियंका गांधी की तस्वीर छपी है। हाथरस जाते हुए रास्ते में पुलिस से लाठीचार्ज से कारकुनान को बचाते हुए भी तस्वीर इस कैलेंडर में है। CAA NRC के खिलाफ लगातार सड़कों पर एहतजाज कर रही प्रियंका की एक तस्वीर आजमगढ़ जिले की भी है, जिसमें वो मुतासिर परिवार के एक बच्ची के आंसू पोंछ रही हैं। कैलेंडर में इसके साथ साथ अमेठी, रायबरेली, हरियाणा, झारखंड समेत यूपी में प्रियंका गांधी के किए गए अवामी राबतों की तस्वीर भी। हमारे साथ ही आशिफ इकबाल मौजूद हैं हमारे साथ बराह रास्त तमाम अपडेट लेकर इस सियासी खबर पर। आशिफ, बड़े टाइम बाद कांग्रेस की तरफ से एक बड़ी सरगर्मी सी नजर आई है। यूपी में कवायद कह लीजिए इसको, सियासी तौर पर अपने पैर जमाने की कोशिश कह लीजिए कांग्रेस की जानिब से, और प्रियंका गांधी पूरी तरह से सरगर्म होने लगी हैं यूपी की सियासत को लेकर। खास तौर से अभी जैसे मैंने बताया अपने नाजरीन को, कैलेंडर बांटे गए हैं, लाखों की तादाद में पहुंचाए गए हैं यूपी में, मुख्तलिफ अंदाज की तस्वीरें हैं उसमें प्रियंका गांधी की। आशिफ, कैसे तज्जिया करेंगे इस खबर को, कैसे एनालाइज करेंगे आप? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं मुमताज की सबसे बड़ी चीज है कि इसको पहले टाइमिंग समझना होगा कि आज का टाइमिंग क्यों, आज का वक्त क्यों मुकर्रर किया गया कांग्रेस की तरफ से। तो पहली चीज ये कि आज जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश में है, 2 दिनों के प्रवास पे है, पहली बात। दूसरी बात ये कि सिर्फ ये प्रियंका गांधी का कैलेंडर नहीं है, बल्कि ये है कि 2022 में कांग्रेस की तरफ से अगर कोई कमान संभालेगा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में तो वो प्रियंका गांधी होगी। और प्रियंका गांधी वाड्रा पर एक तरीके से पूरी कांग्रेस पार्टी ने मुहर लगा दी है। आप सोचिए इसकी जरा बारीकियों को, जैसा कि आपने भी एक्सप्लेन किया, इसकी बारीकियों को समझना होगा कि किस तरीके से सिर्फ प्रियंका गांधी ही इस तस्वीर में है, ना कांग्रेस पार्टी का सिंबल है, ना ही राहुल गांधी और सोनिया गांधी की तस्वीरें हैं। मतलब साफ है कि कांग्रेस पार्टी ने यह मन बना लिया है कि 2022 की जो बड़ी लड़ाई है, उत्तर प्रदेश की बड़ी लड़ाई, क्यों कहते हैं कि देश की सियासत की जो सीढ़ियां हैं वो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती हैं। अगर देश में किसी को राज करना है तो उसकी चाबी उत्तर प्रदेश से होकर वही मौजूद होती है और वहीं से चाबी मिलती है। तो मतलब साफ तौर पे है कि इसमें कहीं ना कहीं से कांग्रेस पार्टी ने भी मुहर लगा दी है। और प्रियंका गांधी के स्ट्रगलिंग फेस को दिखाया इसलिए गया है उस तस्वीरों के जरिए कि आप किसी भी परेशानी में, खासतौर पर वर्कर के लिए ये बात कही गई है कि अगर आप किसी परेशानी में, किसी दिक्कत में हो, किसी जरूरतमंद में अगर आपको जरूरत महसूस होती है तो उसके लिए प्रियंका गांधी आपके साथ 24 घंटे 365 दिन उत्तर प्रदेश में अवेलेबल रहेंगी। ये कहीं ना कहीं से ये साफ हो गया है कि कांग्रेस पार्टी अब काफी आक्रामक तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनाव मैदान में उतरने को तैयार है अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं के जरिए। जहां तक हमने रिएक्शन की बात करें तो हमने कई सारे लीडरों को फोन किया, उन्होंने कहा कि देखिए इसमें अब कोई इफ और बट की बात नहीं है, बल्कि प्रियंका गांधी पर जिस तरीके से पहले भी हमने सबसे पहले ये खबर बताई थी कि प्रियंका गांधी बड़ा चेहरा हो सकती है और प्रियंका गांधी की मौजूदगी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस वर्करों के लिए काफी मजबूती देने की कोशिश की जा सकती है। अब ये देखना होगा कि इस तस्वीर पे, इस जो कैलेंडर है, इस पर सियासी दलों का क्या रिएक्शन आता है। मुमताज जी, आशिफ ठीक कहा आपने, 12 पेज का कैलेंडर है, लाजमी सी बात है, 12 मुख्तलिफ तस्वीरें हैं प्रियंका गांधी के इसमें, और एक ये मैसेज जरूर गया आशिफ कि सियासी तौर पर पूरी तरह से अब सरगर्म होने के मूड में है यूपी कांग्रेस, खासतौर से प्रियंका गांधी की कयादत में। और जैसे कि आपने बताया जेपी नड्डा भी 2 रोजा दौरे पर हैं, लेकिन हम देख रहे हैं आसिफ की आइंदा इंतखाब को इंतहाई संजीदगी से लेने के मूड में है यूपी में कांग्रेस। बिल्कुल, इसमें कहीं तो मत नहीं है। देखिए साफ तौर पे मुमताज के आगे, क्योंकि 2022 का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है और इसलिए उत्तर प्रदेश में अगर किसी को भी, जो आज खास तौर पे आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में जो सियासत में मौजूद है, जो सबसे बड़ी सियासी दल है पूरी दुनिया की, भारतीय जनता पार्टी, वही सरकार में वहां है,
वही केंद्र में सरकार में है, तो इसलिए वो मजबूती प्रदान करती है, मजबूती देती है सरकारों को। इसलिए माना यह जा रहा है कि प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी की डूबती नैया को पार लगाएंगी। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर आगे आने वाले वक्त में क्या होता है। जी,